सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। 30 अक्टूबर को सोनीपत के भिकान टोल से पकड़े गए आरोपियों से सोनीपत पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। सोनीपत पुलिस के गिरफ्त में दिखाई देने वाले ये सभी 10 युवक दीपक, अमरदीप, अमित, गजेंद्र, राहुल, विजेंद्र, विक्रम, टीकम, परविंदर और नीरज हैं। इन्होंने 30 अक्टूबर को नेशनल हाईवे 44 पर स्थित भिगान टोल पर बिना टोल दिए गुजरने की कोशिश की तो वहां पर मौजूद कर्मचारियों ने इसका विरोध किया तो सभी ने अपनी गाड़ियों से उतरकर टोल मैनेजर को हथकड़ी लगाने के साथ साथ उसे अगवा करने का भी प्रयास किया गया। लेकिन इसकी सूचना मिलने के बाद सोनीपत पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची, 2 सोनीपत पुलिस के कर्मचारियों के साथ भी इन लोगों ने बदतमीजी और मारपीट की। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है और रिमांड पर लिया है तो उनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि ग्रीस और इंग्लैंड में बैठे हुए सरगना इन सभी से सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत करते और इन्हें भारत के कानून ना मानने पर मनाते, जिसके फलस्वरूप ये इस तरह के कदम उठा रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 12 मोबाइल, 7 हथकड़ी, 5 फर्जी आई कार्ड और फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। वहीं अब सोनीपत पुलिस इनके मोबाइलों को खंगाल रही है ताकि इनकी देश विरोधी गतिविधियों का पता लगाया जा सके और कौन लोग विदेशों से बैठकर इस तरह भारत के लोगों को गुमराह कर रहे हैं उन तक पहुंचने की सोनीपत पुलिस कोशिश कर रही है। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। दिनांक 30 अक्टूबर को भिगान टोल से एक कॉल प्राप्त हुआ था जिसमें कहा गया था कि 4 गाड़ियों ने जो है भिगान टोल की कुछ लेन्स को ब्लॉक कर लिया है और उसमें लगभग 10 आदमी हैं जो वहाँ पर जो टोल कर्मचारियों के साथ अभद्रता कर रहे हैं और साथ ही जो टोल मैनेजर है उसको उन्होंने हथकड़ी पहनाने का भी प्रयास किया था। तो इस मामले में जब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, पुलिस वहाँ पहुँची तो वहाँ जो मौजूद व्यक्ति थे उन्होंने अपना नाम बताने से मना कर दिया और वो अपने आप को मिनिस्टर MON कह रहे थे कि हम यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी से संबंध रखते हैं और उनका कहना था कि जो देश का कानून है वो उनके ऊपर लागू नहीं होता है, उनके ऊपर यूनिवर्सल लॉ लागू होता है और जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उनके अंडर आती हैं। तो इस तरह की बात हुई, पुलिस वालों के साथ भी उन्होंने अभद्रता की तो उन्हें मौके से पकड़ के फिर पुलिस थाने लाया गया और इस संबंध में मुकदमा नंबर 420/22 विभिन्न धाराओं में अंकित किया गया। बाद में तफ्तीश में ये सामने आया कि जो सभी 10 लोग हैं ये दिल्ली और UP और हरियाणा के रहने वाले हैं और एक यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट नाम की एक वेबसाइट है जिसका लिंक इन्हें टेलीग्राम के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से इन्हें प्राप्त हुआ था जिससे ये जुड़ गए। तो ये पूरी तरह से ब्रेन वॉश किए हुए थे, जो भी ये यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट जो भी व्यक्ति चला रहे हैं वो कई प्रकार के वीडियो इन्हें दिखाया करते थे जो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। उसी ग्रुप को पे रात में 9 बजे के आसपास एक मीटिंग भी हुआ करती थी वॉइस चैट की, जिसमें जो भी इतिहास के तथ्य हैं उन्हें तोड़ मरोड़ के इस तरह से इनके सामने प्रस्तुत किया गया कि जिससे इन्हें लगा कि जो भी सरकार वगैरह हैं वो सारी जो है ये यूनिवर्सल लॉ ट्रस्ट के अधीन है। और साथ में इन्हें प्रलोभन दिया गया कि ये जो आपकी आइडेंटिटी है, जो इन्हें एक यूनिक नंबर प्रदान किया गया है, ये इसका इस्तेमाल अपनी गाड़ियों पर कर सकते हैं और इसके बाद आपके कोई भी टोल वगैरह नहीं लगेंगे और निकट भविष्य में आपके जो बिजली के बिल वगैरह भी सारे फ्री हो जाएंगे। इसके अलावा एक ऑर्गेनिक विलेज स्थापित करने की भी उन्होंने बात की जिसके अंदर अलग से कोई करेंसी काइंडनेस क्रेडिट नाम के चला करेगी। तो इस तरह इनके झांसे में लेकर और सभी व्यक्तियों को यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट के प्रचार प्रसार में लगा दिया गया और साथ ही ये जो अवैध काम जो कर रहे हैं टोल वगैरह फ्री करवाने का, रास्ता रोकने का, लोगों को डराने धमकाने का, तो उस कम्युनिटी को स्प्रेड करने के लिए भी इस तरह से काम करते हुए पाए गए हैं। ऐसा क्या कोई पता चल पाया हो किस संगठन से जुड़े हैं, क्या कोई आतंकवादी संगठन है वो भारत में आंतरिक कलह के लिए इस तरह की कोई चीजें तो नहीं कर रहा था, क्या इस पर भी तफ्तीश है वो जानी है क्या पुलिस? आतंकवादी संगठन होने के बारे में तो अभी कोई सूचना इस प्रकार की हमें तफ्तीश में नहीं मिली है, पर ये एक यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट की एक वेबसाइट भी है और प्रोटॉन मेल पर ही ऑपरेट करते हैं, पहले अकाउंट नंबर वगैरह रजिस्टर करवाते हैं और पूरे विश्व में कई प्रकार के वीडियो हैं जो इसी संगठन के लोगों द्वारा, इसी तरह के ब्रेन वॉश किए हुए लोगों द्वारा बनाए गए हैं जिसमें वो इस तरह का गैर कानूनी काम कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा आदमी मिला जो इनको ब्रेन वॉश जो करता हो वो उसका कोई मुखिया वगैरह? जैसे जब हमने इनके मोबाइल फोन्स वगैरह का विश्लेषण किया है तो उसमें कई संदिग्ध हमें एडमिन वगैरह मिले हैं। अच्छा। उनकी डिटेल अभी हम साइबर सेल के माध्यम से टेलीग्राम से डिटेल प्राप्त कर रहे हैं तो उन संबंधित जो भी व्यक्ति होगा जो भारत में होगा उसके यहाँ रेड करके उसे गिरफ्तार करके फिर पता लगेगा कि आगे इसमें क्या है। सर, ये पूरा का जो पूरा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जैसे संगठन आप बता रहे हो कहाँ से चल रहा था, किस विदेश से ये पूरा संगठन है वो चला रहे थे? एक्चुअली इनके पास से हमें कई सारे नोटिस
और लिटरेचर बरामद हुआ है। इन लिटरेचरों में जो एड्रेस है वो ग्रीस का लिखा हुआ है। इसके अलावा जो कुछ यूके के भी एड्रेसेस हैं, यूएस के भी एड्रेसेस हैं, और इन्हें वेरीफाई करना जरूरी है। सर, क्या इनकी गतिविधियाँ देशद्रोह की श्रेणी में आती हैं? ये तो अभी तो ये लग रहा है कि ये ब्रेन वॉश किए हुए, जो अभी हमने अभी गिरफ्तार किए हैं, ब्रेन वॉश किए हुए लोग हैं। आगे जो अनुसंधान में जो उनके आगे की कड़ी जो पकड़ी जाएगी, उनसे पता लगेगा कि उनकी गतिविधियाँ किस प्रकार की हैं, क्या ये सिर्फ पैसे लूटने का जरिया है या कुछ और है। क्योंकि ये भी सामने आया है कि जो भी व्यक्ति 10 व्यक्ति थे, ये कम से कम 1,000-1,200 रुपए महीना 2 महीना में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, एक खाते में भेज रहे थे। तो हो सकता है कि इसका फाइनेंशियल एंगल भी हो कि सिर्फ पैसा लूटने के लिए लार्ज स्केल पर लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। सर, क्या नाम है इनकी और ये कहाँ के रहने वाले हैं? इसमें से 3 व्यक्ति हरियाणा के रहने वाले हैं, 4 उत्तर प्रदेश के और 3 दिल्ली के हैं। इनके नाम में है एक दीपक कुमार चौबे हैं जो वर्तमान में गुरुग्राम में रहते हैं, एक अमरदीप सिंह हैं जो फरीदाबाद के रहने वाले हैं, एक पुनीत कुमार दिल्ली के रहने वाले हैं, गजेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, एक राहुल मेहरा केशवपुरम दिल्ली के रहने वाले हैं, बिजेंद्र कुमार भी दिल्ली से ही हैं, विक्रमजीत सिंह करनाल से हैं, और टिकम सिंह यूपी के रहने वाले हैं, और एक परमिंदर सिंह है जो भी नोएडा यूपी के हैं, और एक नीरज सिंह है आगरा यूपी के। और साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि इनसे हमें लगभग 7 हथकड़ियाँ भी बरामद हुई हैं जो इन्होंने 1-2 दिन पहले ही खरीदी थी। इसके अलावा इन्होंने कई स्टैंप भी बनवाए हुए हैं, लगभग 6-7 स्टैंप हमें बरामद हुए हैं। और साथ ही टेलीग्राम पे ही इन्हें कुछ आईडी कार्ड भी इशू किए जाते थे जिनका प्रयोग ये टोल फ्री करवाने के लिए और अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए किया करते थे। दिल्ली के कितने बताए सर आपने? दिल्ली के लोग हैं, 3 लोग हैं जो वर्तमान में दिल्ली में रह रहे हैं। अच्छा। सर, क्या इनके पास से जो गाड़ी बरामद हुई है, क्या उनके चेसिस नंबर वगैरह से भी छेड़छाड़ की गई है? एक गाड़ी के ऊपर चेसिस नंबर नहीं है, बाकी गाड़ियों पर चेसिस नंबर। सर, जो नंबर यूज कर रहे थे गाड़ी का, ये क्या फर्जी है या फिर उन पर भी कोई किस तरह की जांच है, वो सोनभद्र पुलिस कर रही है? जो नंबर ये गाड़ी पे यूज कर रहे थे, वास्तव में जो इन्हें यूनिक नंबर, जो ये यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी वालों ने एक यूनिक नंबर हर व्यक्ति को अलॉट किया हुआ है, उसी नंबर के आगे ये ULCT जिसका मतलब यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट लिख के पीछे अपनी डिजिट लिख के और अपनी गाड़ी पर लगा रहे थे, वही इनका यूनिक नंबर है और वही नंबर गाड़ी। कहीं चालान वगैरह में नहीं पकड़ी गई सर इनकी गाड़ी? चालान वगैरह इनके कई सारे वीडियोस हैं जिसमें जो इन्होंने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, कई बार पुलिस वालों द्वारा और टोल वालों द्वारा इन्हें रोका गया, और पर ये अवैध नंबर प्लेट के इनके चालान हुए होंगे, पर किसी इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान इस तरह का कभी नहीं दिया गया। ठीक है सर। क्योंकि ये अपने आप को बताते थे कि ये डिप्लोमेटिक संस्था हैं, ये यूनिवर्सल लॉ के हैं, तो टोल वाले भी इस प्रकार से अनभिज्ञता रहती है, उन्हें लगता है कि भाई ये किसी मिनिस्ट्री के या सरकारी कर्मचारी हैं, वो पास में रहते हैं।